हाय गाइस, आज हम आए हैं दिल्ली के कुतुब मीनार। हमने ऑनलाइन टिकट बुक करा लिए थे, इसीलिए हमें एंट्री जल्दी से मिल गई है। अगर आप भी यहाँ पर आ रहे हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक करा कराए, वरना बहुत लंबी क्यू में आपको खड़े रहना पड़ेगा। तो चलिए विजिट करते हैं कुतुब मीनार। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टिकट के लिए लंबी क्यू लगी हुई है, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ आने से पहले प्लीज़ टिकट ऑनलाइन बुक करवा लें। ऑनलाइन टिकट जो है वो 35 रुपये का है, 35 रुपीज़, और अगर आप यहाँ पर कैश में टिकट लेंगे तो वो 40 का पड़ेगा, और अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो 35 का पड़ेगा। और ये अंदर जाने के लिए क्यूज़ लगी हुई है। अगर आपके टिकट ऑनलाइन है तो आपको छोटी क्यू जो आप देख सकते हैं, छोटी वाली क्यू से आप फटाफट अंदर पहुँच जाएंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑनलाइन टिकट बुक करा कराएं। और अगर आप ऑफलाइन टिकट बुक करा रहे हैं तो प्लीज़ उस टिकट को संभाल के रखिएगा, क्योंकि एग्ज़िट के टाइम ये टिकट एक बार फिर से वहाँ पर जमा होता है, और अगर टिकट नहीं होगा तो आपको 100 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स को कोई भी नुकसान हो। सो गाइस, आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में कुतुब मीनार की हिस्ट्री भी बताऊंगी। आई नो कि आप खुद यहाँ पर आएंगे तो सब चीज़ें देख लेंगे, लेकिन अगर आप आने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले लेंगे तो आपको घूमने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और भी बना के दिखा सकूँ। फर्स्ट क्वेश्चन होता है लोगों का कि कुतुब मीनार कैसे पहुँचें। तो ये मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन पर है, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन ही है। मेट्रो से उतरने के बाद आपको आराम से ऑटो मिल जाएंगे जो आपको यहाँ के बाहर छोड़ देंगे। बस का भी कन्वेंस है, कन्वेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग, कब खुला रहता है कुतुब मीनार जो है वो हफ्ते के 7 दिन ओपन रहता है, सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक। थर्ड थिंग, यहाँ पर आने के लिए बेस्ट टाइमिंग क्या हो सकता है। यहाँ पर आप गर्मियों में तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि पूरा खुला परिसर है, बहुत धूप लगती है और बहुत परेशानी होती है। ठंड का समय एकदम बेस्ट टाइम होगा यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि हल्की हल्की धूप में खुले परिसर में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। एक और चीज़, यहाँ पर आने से पहले आप बैगेज कम लाएं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो है वो टिकट चेक करते वक्त वहीं पर निकलवा दी जाती है। या तो फिर दूसरा सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पर अपने बैगेज को लॉकर रूम में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर से एक अलग क्यू में लगना होगा, और वापस जाते टाइम फिर से अपना सामान कलेक्ट करो, ये थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। इसलिए या तो अपनी कार में सामान रख दें या फिर सामान ना लाएं। क्यों वहाँ ये देखने, अगर आप आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के शौकीन हैं तो ये चीज़ देखी जा सकती है। फ़ोटोशूट कराने के लिए भी एक अच्छा प्लेस है। पूरी दुनिया में कुतुब मीनार सबसे ऊंची इमारत है, जो कि ईंट की बनी हुई है, तो ये विश्व धरोहर में शामिल होती है, एक बार देखना तो बनता है। कुतुब मीनार में इस इमारत के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, मैं आपको अंदर बता दूंगी। एक और चीज़, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको इसके एक रहस्य के बारे में बताऊंगी कि आखिर क्यों कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया है, ये एक मिस्ट्री है। जो सामने दिख रहा है आपको, ये इमाम जामिन का मकबरा है। मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में इस मकबरे का निर्माण हुआ था, और इस इमारत का निर्माण प्रारंभिक मुगल काल में किया गया था, और लोधी शैली के सभी प्रमुख विशेषताएं जो है इसमें आपको नजर आएगी। मकबरे का पश्चिमी भाग के मध्य में इबादत के लिए मेहराब और दक्षिणी भाग में प्रवेश द्वार है। ये इमाम जामिन का मकबरा पहला पॉइंट है अंदर देखने के लिए। ये जो मकबरा है वो एक सूफी संत का है, इमाम जामिन। उनका वास्तविक नाम मोहम्मद अली था। ये जो मकबरा है इसमें प्रवेश द्वार है, और अंदर बीच में वो प्रार्थना करने के लिए जगह है। आओ। सो गाइस, ये मकबरा देखने के साथ साथ मैं आपको कुतुब मीनार की हिस्ट्री भी बताते जाती हूँ। इसका निर्माण 1199 से लेकर 1220 तक में किया गया था। इसकी शुरुआत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसका एक फ्लोर बनवाया था, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इस मीनार का काम आगे बढ़वाया। उन्होंने भी 2 फ्लोर बनवाए थे, उसके आगे वो नहीं बनवा पाए थे। इस कुतुब मीनार में टोटल 5 फ्लोर है, और हर एक फ्लोर पर एक बालकनी भी है। पहले इसके अंदर जाना अलाउ था। कुतुब मीनार जो है वो इंडिया की सबसे ऊंची मीनार है, और इसकी हाइट है 72.5 मीटर। ये दिख रहा है ना गाइस, ये है अलाई दरवाजा, जो कि यहाँ का पहले का प्रवेश द्वार हुआ करता था। ये बहुत ही सुंदर कलाकृति है इसकी, जो लाल पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है, बहुत अच्छा दिखने में है, और यहाँ पे फोटोज भी एक नंबर आती है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, और इसमें अंदर 379 सीढ़ियां हैं, जो आपको मीनार की ऊंचाई तक ले जाती है। इस मीनार को एक तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और दूसरा संगमरमर। पहला फ्लोर तो पूरा बलुआ पत्थर से है,
उसके बाद सेकेंड और थर्ड फ्लोर संगमरमर के पत्थरों से और उसके ऊपर के बलुआ और संगमरमर दोनों के पत्थरों से मिलकर बना हुआ है ये। इस परिसर को लेकर वैसे तो कई सारे विवाद बने हुए हैं। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो कुतुब मीनार परिसर में बनी हुई है, उसमें से कहा जाता है कि दर्जन भर हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनका जो मलबा निकला था उसका इस्तेमाल करके इसका इसको बनाया गया है, इसलिए कुछ लोग इसे मस्जिद मानने से इनकार करते हैं। और आप यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ के जो स्तंभ है और दीवारें हैं उसमें आपको अलग ही देवी देवताओं की और हिंदू और जैन शिल्पकारों की जो एक छाप होती है वो देखने को मिलेगी। सारे अवशेष मिल जाएंगे, लाइक ये जो प्रतिकृतियाँ हैं वो हिंदू देवी देवताओं की है और आपको इस तरह की जो स्टोन से वो खजुराहो वगैरह में भी देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये है लो स्तंभ जिसकी हाइट है 24 फीट जो 3 फीट जमीन के अंदर और बाकी 21 फीट जमीन के ऊपर आप देख रहे हैं। ये 6000 किलो लोहे से बना है, जंग रहित लोहे से बना है और कहा जाता है कि इसके ऊपर एक गरुड़ की प्रतिमा थी विष्णु भगवान का जो वाहन का हुआ करता है जो आजकल विलुप्त हो चुका है। कुछ टाइम पहले जब हम आए थे तो ये जो साइड में बैरिकेड देख रहे ये नहीं हुआ करते थे, आप इसके इसको पास से टच भी कर सकते थे। और कहा जाता है कि इसके आसपास आप अगर इसे पीछे से आप अगर पकड़ पाते हो तो काफ़ी आप लकी होते हैं, लकी लोग ही पकड़ पाते हैं। इस पर ब्राह्मी और संस्कृत लिपि से कुछ लिखा गया है और ये यहाँ पर पहले से नहीं था, इसे यहाँ पर रखा गया है, मतलब ये यहाँ पर नहीं बनाया हुआ था, कहीं से ला कर रखा गया है। शायद ये विष्णु भगवान के मंदिर में स्थापित था जिसके ऊपर भगवान विष्णु के जो वहाँ के गरुड़ उनकी प्रतिमा इसके ऊपर विराजमान थी, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। और ये किसी हिंदू राजा ने ही बनवाया था और भारतीय जो शिल्प शैली उसका काफ़ी अच्छा उदाहरण है क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है, खुले में रखा हुआ है, फिर भी ये जंग रोधक है, इस पर जंग नहीं लगा हुआ इतने सालों में भी। आगे बढ़ रहे हैं खलजी का मदरसा टोम की तरफ जा रहे हैं और हाँ इसका टाइमिंग जो है शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, तो आप अपने इसी हिसाब से अकॉर्डिंग ट्राई करना कि जल्दी बंद हो जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर घूमने के लिए बहुत बड़ा प्लेस है तो इसीलिए आपको टाइम लग सकता है। इल्तुतमिश का मकबरा उनकी कब्र है, ये दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों में से एक है। इल्तुतमिश भारत के गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे जो कि दिल्ली के दूसरे सुल्तान बने थे। यह मकबरा 1235 में शमशुद्दीन इश्तुमितीश द्वारा बनवाया गया था। वास्तुकला देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। देख रहे हैं वो है अलाई मीनार जो कि कुतुब मीनार के उत्तर में है। पांड अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से भी दुगने आकार की इमारत बनाने के इरादे से शुरू करवाया था, हालांकि वो केवल इसकी पहली मंजिल ही पूरी करवा पाए थे जो कि अब 25 मीटर की ऊंचाई की है, के बाद वो उतनी ही रह गई। गाइस अगर आप यहाँ पर धूप में आ रहे हैं ना तो सनस्क्रीन जरूर लगा के, बहुत चेट रही है धूप, एक तो पूरा खुला एरिया है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, गर्मी में थोड़ा अवॉइड करें, गर्मी में ना आए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको कुतुब मीनार के एक रहस्य के बारे में बताऊंगी कि आखिर क्यों इसके अंदर जाने के गेट बंद कर दिए गए हैं। साल 1974 तक कुतुब मीनार में आम लोगों की एंट्री दी जाती थी, लेकिन 4 दिसंबर 1981 को यहाँ पर एक बहुत भयानक हादसा हुआ था जिसकी वजह से अंदर भगदड़ मच गई थी और करीबन 45 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से कुतुब मीनार के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। कहा जाता है कि उस हादसे में काफी सारे बच्चों की डेथ हुई थी। काफी बड़ा एरिया है गार्डन का भी, यहाँ पर आप काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर मौसम अच्छा हो तो। अब यहाँ पर जो है वो मेजर इफेक्ट की छतरी, सेंट्रल सिंह सूर्य घड़ी और इमाम जामिया का मकबरा और अलाई दरवाजा हमने देख लिया है, ये जामिया का मकबरा भी देख लिया है, सैंडरसन सूर्य घड़ी बची है, चलिए देखते हैं। और ये है मस्जिद।
पुराने समय में जो सन डायल्स होते थे इन्हीं से टाइम देखा जाता था। ये जो सन डायल्स है वो सुबह और दोपहर में ही काम कर, शाम को ये काम नहीं करता है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मेजर स्मिथ की छतरी, ये कुतुब मीनार का सबसे ऊपरी भाग था। इस छतरी का एक इतिहास है। ASI के अनुसार तेज भूकंप के कारण यह मीनार की छतरी टूटकर नीचे गिर गई थी, जिसे 1802 में मेजर स्मिथ के द्वारा बनाई गई एक नई छतरी बनवाकर बदल दिया गया था। मगर वो बेमेल लग रही थी छतरी, इसलिए 1848 में उसे नीचे उतार लिया गया और कुतुब मीनार के दक्षिण पश्चिम के हिस्से में जो पार्क है यहाँ पर इसे रख दिया गया है। सो गाइस, हमने कुतुब मीनार प्लेस पूरा विजिट कर लिया है। यहाँ पर 18 से 19 स्पॉट है अंदर के अंदर जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो भी आपको यहाँ पर बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप फोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। तो हमने तो विजिट कर लिया है, आप भी आइए एक बार, ज़रूर आ सकते हैं विजिट करने। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।